चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब लिस्ट कैसे लगाते हैं, अब हम उस प्रोसेस की तरफ आ रहे हैं। नंबर वन, कैटलॉग पे आते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है ऐड प्रोडक्ट, आप इस पे भी क्लिक करके लिस्ट लगा सकते हैं। नंबर टू ऑप्शन, आप इन्वेंट्री पे जाते हैं तो यहाँ पर लिखा रहा है ऐड अ प्रोडक्ट। दोनों सेम बटन हैं। अमेजोन ने इतना कॉम्प्लेक्स किया हुआ कि एक ही चीज चार चार बार भी आपको दिखा रहा होता है, कोई ऐसा मसला नहीं। जहां से आपका दिल करे यहाँ से करना, यहाँ से कर लें, यहाँ से करना तो यहाँ से ऐड अ प्रोडक्ट कर लें। अब जैसे ही हमने ऐड अ प्रोडक्ट पे क्लिक किया, अमेजोन हमें कुछ ऑप्शन दे रहा है। वो कह रहा है कि आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन। इसका मतलब है आपको ऐसी प्रोडक्ट बेचने लगे जो अमेजोन पे पहले नहीं बिक रही। इस चीज का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि आप पेन बेचने लगे हैं और वो तो आप तो कहेंगे ये तो अमेजोन पे पहले भी बिक रहा है तो मैं क्यों इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूं। देखें, फॉर एग्जाम्पल, मीट मुगल्स ब्लू पेन नहीं बिक रहा, वहां पे कोई मास्टर ब्लू पेन बिक रहा होगा, पैनासोनिक ब्लू पेन बिक रहा होगा, लेकिन मीट मुगल्स ब्लू पेन नहीं बिक रहा। तो आप इसे अपना प्राइवेट लेबल बना के लॉन्च करने लगे हैं तो आप लिस्ट लगाते वक्त पहली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे कि मीट मुगल्स ब्लू पेन इससे पहले अमेजोन पे नहीं बिक रहा। ठीक है, ये ऑप्शन आप तब यूज करते हैं जब एट ए टाइम आपने 10-12 प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना होता है और आप इतनी झंझट नहीं लेते कि मैं एक एक प्रोडक्ट को लिस्ट करूं, बल्क में आ जाती है। ये ऑप्शन आ गई, आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू लिस्ट प्रोडक्ट। खैर, ये एक और ऑप्शन आ गई। तीसरी ऑप्शन इतनी बड़ी ये होती है कि आप यहाँ पर ही उस प्रोडक्ट को लिखते हैं जिसके साथ आप मीटू करने लगे हैं। आप यहाँ पर उसका एसिन लिखते हैं। ठीक है, एसिन कहाँ होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं एसिन की बात कर रहा था, तो एसिन आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। अब आपको नजर आ रहा होगा एसिन यहाँ पर भी लिखा होता है, इसके अलावा ऊपर एड्रेस बार में भी एसिन लिखा होता है, जो कि ये होता है, ये खास किस्म का नंबर होता है जो जिसे हम आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहते हैं। यहाँ से हम इसको, यहाँ पर हम एसिन को कॉपी करेंगे और सर्च करेंगे तो वो एसिन आ जाएगा और हम जाके उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लेट मी ट्राई वन मोर टाइम, इसको कंट्रोल सी करते हैं और हम आ जाते हैं अपने सेलर सेंट्रल पे और यहाँ पर आके कंट्रोल वी कर रहे हैं। मैंने ये एसिन लिखा और ये मैंने यहाँ पर इसको सर्च का बटन दबा दिया। जैसे ही मैं सर्च करूंगा तो यहाँ पर वो लिस्ट आ गई जो मैं आपको दिखा रहा था। अब अगर मैं भी इसको बेचना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर करूंगा अप्लाई टू सेल। अप्लाई टू सेल करूंगा, मैं अमेजोन से रिक्वेस्ट करूंगा, अमेजोन को बताऊंगा मेरे पास इसकी ऑथराइजेशन लेटर मौजूद है, मुझे इजाजत दी जाए मैं इसको बेचूं। बहुत सारी जगहों पर आपको अप्लाई टू सेल नहीं लिखा होगा, जस्ट सिंपल आ रहा होगा कि सेल, तो इसका मतलब है उसके लिए आपको कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। वो अप्रूवल तब चाहिए होगी जब आप फंस जाएंगे और अगला बंदा आपके ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का केस कर देगा। यहां तक हमने एक चीज देखी कि हमने मी टू लिस्टिंग कैसे करनी है। मी टू लिस्टिंग में आपने अपने कंपटीटर का या जिसको भी आप कॉपी करना चाह रहे हैं, चिपकना चाह रहे हैं, उसका यहाँ से एसिन लगाना है और यहाँ पर आगे उसे अप्लाई टू सेल कर देना है। लेकिन अगर आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तो आपको यहाँ इस पर क्लिक करना है। अब हम क्लिक करेंगे आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़न, मैं अपना पीएल बेचना चाहता हूँ। सबसे पहले वो मेरे से पूछेगा कि आप किस कैटेगरी में बेचना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ से आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर कोशिश करनी है, अगर तो आपके पास यूपीसी कोड है फिर तो आप जो मर्जी कैटेगरी सेलेक्ट करें, अदरवाइज जिस कैटेगरी की आपने एग्जेम्पशन ली होगी ना, आपने यहाँ से वही कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, हमने बेबी प्रोडक्ट्स ही की थी, बेबी प्रोडक्ट्स कर लेते हैं। ठीक है, आगे से वो फर्दर कैटेगरीज बता रहा है सारा कुछ। अगर आप ये सारे काम भी नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट का नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ बैम्बू ब्रश, मैं ये लिख के सर्च करता हूँ तो अमेजोन मुझे खुद ही बता देगा ये आपकी कैटेगरीज हैं। अब पहले मुझे कैटेगरीज पता होनी चाहिए तो जिसके लिए मैंने GPIN एग्जेम्पशन अप्लाई करनी है, यूपीएससी एग्जेम्पशन करनी है। मैं यहाँ से देखता हूँ कि यार ठीक है, इस कैटेगरी में मुझे ये नीचे कैटेगरी है हेल्थ एंड हाउस होल्ड ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। अब देखें ना, एक ही प्रोडक्ट है टूथब्रश, ये मल्टीपल कैटेगरीज में लिस्ट हुई है, किसी ने इसमें किया, किसी ने इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक में किया हुआ। अब अपनी मर्जी है, आपकी मर्जी है, आप जिस मर्जी कैटेगरी में उसको कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें रेलिवेंट कर ताकि आपको रैंकिंग में आसानी हो। यहाँ से आपने देख लिया कि आप कहते नहीं जी मैंने तो हेल्थ एंड हाउस होल्ड में करना है, चलो भाई आप यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं।
जैसे ही आपने सेलेक्ट करनी है कैटेगरी, आपके सामने एक ये विंडो खुल जानी है। विंडो के अंदर सबसे पहले आ जाना जी प्रोडक्ट नेम। अब प्रोडक्ट नेम क्या होता है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जिसको हम टाइटल कहते हैं। अभी मैंने आपको जो पूरी एक लिस्ट दिखाई थी उसमें जाने का मकसद ये था ताकि आपको समझ आए कि इसमें है क्या। चले मैं यहाँ पर साथ कोशिश करता हूँ कि अमेजोन अगर खोल लूँ ताकि आपको साथ साथ लिस्ट भी कोई दिखाते हैं। कोई भी लिस्ट हो सकती है। ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये इसको टाइटल कहते हैं, ठीक है। और ये हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। अभी मैं आपके सामने एंटर कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको एक ऐसी प्लेटफॉर्म दिखाऊंगा जो लिस्ट बनी हुई है, उसमें क्या क्या डाटा एंटर है, ठीक है। नंबर वन, आपने लिखा प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम क्या होता है, इसको टाइटल बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक ही वर्ड लिखते हो और आपको जी चलो अभी बात खत्म, आपने यहाँ पे पूरा लिखना है। यहाँ पर लिखना है ब्रांड नेम। यहाँ पर ब्रांड नेम आप अपनी मर्जी का लिख सकते हैं अगर आपके पास यूपीसी कोड है, अदरवाइज यहाँ पर आप वही ब्रांड नेम लिखेंगे जिसकी हमें एग्जेम्पशन मिली है। क्योंकि ये केसेस तीनों आपस में इंटरलिंक नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। हमें किस ब्रांड की अप्रूवल मिली थी, बी से। अगर तो मैं बी से लिखूंगा तो मेरी लिस्ट आगे मूव करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो मैंने यहाँ पर ब्रांड नेम में ये करना है, मैन्युफैक्चरर में कुछ भी लिख देना, अपना नाम लिख देना, कोई मसला नहीं है। पार्ट नंबर कुछ भी एक्स वाई जेड दे दें। यूनिट काउंट केस पैक होगा तो ठीक है, वन होगा तो वन कर देना। यूनिट काउंट टाइप ये किस तरह है, वन यूनिट है, वन पीस है या वन सेट है, जो भी होगा वो आपने यहाँ पर करके आगे मूव करना है। आगे आ जाती है वेरिएशंस। वेरिएशंस मैंने आपको बताया था एक ही प्रोडक्ट में आप मल्टीपल वेरिएशंस बना सकते हैं। ये वेरिएशन साइज में हो सकती है, फॉर एग्जांपल आप अगर टी शर्ट बेच रहे हैं तो लार्ज एक्सल डबल एक्सल में भी वेरिएशन बन सकती है। अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट बेच रहे हैं लाइक पेन बेच रहे हैं तो आप कलर वेरिएशन बना सकते हैं, ब्लू पेन, रेड पेन, ब्लैक पेन, कुछ भी आप इसमें वेरिएशन बना सकते हैं। अगर आप कोई साइज वाली चीज बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप एक मग बेच रहे हैं तो मग में भी साइजेस आ जाते हैं कि ये 3 इंच का मग है, ये 3.5 का, ये 4 इंच का, व्हाटएवर जो आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट सिमिलर है लेकिन इसकी वेरिएशन है, वो आप यहाँ पे वेरिएशंस ऐड कर सकते हैं। वो भी मैं आपको सारा दिखाऊंगा वेरिएशंस कैसे बनाई जाती है। यहाँ पर आ जाते हैं ऑफर, ये एक अहम पार्ट है। यहाँ पर आपने अपनी प्राइस लिखनी है, जिस प्राइस पे आप बेचना चाहते हैं, कंडीशन मेंशन करना। यहाँ पर वो आपसे पूछता है कि आप FBM करना चाहते हैं या FBA करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना, आप इस टाइम जो मर्जी भी लिख देंगे, आप जब चाहें इस मोड मेथड को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम इमेजेस के अंदर। जैसे ही आप इमेजेस के अंदर आएंगे तो इमेजेस के अंदर मैंने आपको जिस तरह से बताया था आप 8 इमेजेस लगा सकते हैं, मिनिमम आपको 8 लगाने चाहिए, लगा आप 9 सकते हैं, मेन इमेज के अलावा 8 लगते हैं। तो मेन इमेज मैंने आपको बताया था उसका स्टैंडर्ड होता है कि आपने वाइट बैकग्राउंड रखनी है, इसके अलावा आपने जितने इमेजेस लगाने हैं उनकी जो रेजोल्यूशन जो पिक्सल होते हैं वो 1000x1000 के होते हैं, ठीक है। यूजुअली आप किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर से अपनी प्रोडक्ट की फोटोग्राफी करवाते हैं, वो आपको अमेजोन के मुताबिक इमेजेस बना के देता है और यहाँ पर आप सारे इमेजेस अपलोड करते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर है? अब चूंकि हम एक ऐसी प्रोडक्ट में काम करते हैं जिसमें उसने 1, 2, 3 और 4 ऑप्शंस भी हमें दी और हम इसके अंदर रहते हुए भी अपनी लिस्ट लगाते हैं, अब मैं आपको एक ऐसी लिस्ट दिखाता हूँ जो हम ऑलरेडी लगा रहे हैं या जो इसका लाइव लिस्ट है। जैसे ही आप यहाँ पर सब कुछ करके सेव एंड फिनिश करेंगे आपकी लिस्ट प्रीव्यू में चली जाएगी जो कि 15 मिनट के बाद एक्टिव हो जाएगी। अब जो भी हमारी लिस्टें होती हैं वो हम इन्वेंट्री में आते हैं, मैनेज इन्वेंट्री पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारी सारी लिस्ट शो हो रही होती है। अब फॉर एग्जांपल आपने एक लिस्ट लगाई है लेकिन अभी तक उसका स्टॉक नहीं भेजा, तो यहाँ पर वो लिखा आ रहा होगा इनएक्टिव एंड आउट ऑफ स्टॉक, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये आपने लिस्ट लगाई है, हम ज्यूम करते हैं यही लिस्ट आपने लगाई है अभी जो हम लगा रहे थे, और यहाँ पर वो उसके बाद आने के बाद वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। आउट ऑफ स्टॉक होने के बाद हम एक और चीज़ यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप जब चाहें अपनी प्रोडक्ट की प्राइस यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप प्राइस चेंज करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे कि अमेजोन की फीसेस भी चेंज हो रही हैं। आप ये अमाउंट देखें 4.81 इंक्लूड्स 3.31 FBA फीस। अमेजोन आपसे अगर आप $10 की चीज बेच रहे हैं तो अमेजोन आपसे ले रहा है $4.81, इसमें 3.31 FBA फीस होती है, जो बाकी बच जाती है वो रेफरल फीस होती है। इसमें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि रेफरल फीस में किस तरह हम अपनी प्रोडक्ट की
लैंडिंग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं अमेजोन पे प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान। अभी इंशाल्लाह हम प्रोडक्ट हंटिंग पे जब जाएंगे फिर हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अभी हम लिस्ट करने को सीख रहे हैं कि लिस्ट कैसे करते हैं। डाटा हमने एंटर किया जो भी मैंने आपको करना सिखाया था, उसके बाद जब आप ओके करते हैं, सेव एंड फिनिश करते हैं, तो इस तरह क्या आपके सामने इन्वेंट्री के अंदर एक लिस्ट जनरेट हो जाती है और लिखा आ रहा होता है आउट ऑफ स्टॉक। आउट ऑफ स्टॉक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर स्टॉक जीरो है। यहाँ पर आप आते हैं, छोटा सा एरो प्रेस करते हैं, तो आप यहाँ देख रहे हैं चेंज टू फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इस टाइम ये लिस्ट FBA है, मीन फुलफिलमेंट बाय Amazon है। मैं जब चाहे इसे मर्चेंट पे कन्वर्ट कर दूंगा, जब मैं इसे मर्चेंट पे कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ पर भी मेरे पास एडिटेबल ऑप्शन आ जाएगी, मैं इन्वेंट्री मेरे कंट्रोल में आ जाएगी क्योंकि मैं मर्चेंट बन के बेच रहा हूँ और मैं जितनी मेरे पास हाथ में क्वांटिटी होगी मैं वो यहाँ मैंशन करूंगा। लेकिन जो भी आपके पास लिस्ट ऐसी होती है जो कि FBA होती है, वहाँ पर आप इनको एडिट नहीं कर सकते क्योंकि इन्वेंट्री को आप Amazon भेज चुके। फॉर एग्जाम्पल ये 194 यूनिट इस टाइम Amazon में पड़े हैं, प्राइस आप जब चाहे चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आपके सामने आप इसको जब चाहे फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट करेंगे। जब आप मर्चेंट करेंगे तो यहाँ पे इन्वेंट्री 0-0 हो जाएगी और ये सारी इन्वेंट्री उठ के जो है ना ये एक रिमूव अनफुलफिलेबल इन्वेंट्री में चली जाएगी कि भाई ये लावारिस इन्वेंट्री पड़ी है, इसका क्या करना है? पहले तो ये FBA में थी और अब क्या करना है? तो फिर यहाँ तो आप उसे वापस मंगवा लेते हैं या आप दोबारा FBA में कर लेते हैं। यूजली लोग ये काम नहीं करते, वो कभी लिस्ट को दोबारा फिर चेंज नहीं करते। FBM से FBA तो करते हैं लेकिन FBA से FBM में नहीं आते। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, फॉर एग्जांपल ये अच्छा, अब आपको एक चीज दिखानी थी वेरिएशन की। फॉर एग्जांपल हमने एक लिस्ट लगाई थी और अब मैं आपको वेरिएशन का कॉन्सेप्ट, ये जी ग्राइंडर थी, ये मेन प्रोडक्ट थी, ये उसकी वेरिएशन है। इस टाइम ये आउट ऑफ स्टॉक है, अदरवाइज ये यहाँ पर आपको नजर आती इसके साथ, जिस तरह हमने उसके अंदर देखा था कि हमें ब्लैक मास्क के साथ ब्लू मास्क में नजर आ रहा था। अगर मैं इनका स्टॉक भेज दूँ तो ये यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगी, ये रेड भी है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है, क्योंकि उनका स्टॉक जीरो है इसलिए आपको वो देखने में, अभी आप देखते हैं कि आउट ऑफ स्टॉक लिखा आ रहा है, सिर्फ एक वेरिएशन एक्टिव है, बाकी की वेरिएशन अभी आउट ऑफ स्टॉक हुई हुई है। अब मैं आपको एक और दिखाना चाह रहा था कि यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि आप कौन सी लिस्ट देख रहे हैं, आपने कितनी लिस्टें मर्चेंट पर लगाएंगे और कितनी अमेजोन पर लगाएंगे। इस तरह मैं आपको बता रहा था, फॉर एग्जाम्पल ये तीन लिस्ट ऐसी लगी हुई है जो कि फुलफिलमेंट पर मर्चेंट वाली है, यहाँ पर मैं इनका स्टॉक जब चाहे एडिट कर सकता हूँ। मैं अभी यहाँ 10 लिखूंगा तो मेरी लिस्ट एक्टिव हो जाएगी, लेकिन अगर मैंने 10 लिख दिया और मुझे भी ऑर्डर आ गया, मैंने ऑर्डर नहीं दिया तो मुझे स्ट्राइक पड़ जाएगी और मैंने अपना अकाउंट खराब नहीं होने देना, इसलिए मैं इसे जीरो ही रख रहा हूँ। तो मीन अगर FBM लिस्ट होगी तो इस तरह की शो हो रही होगी और FBA जो होंगी वो इस तरह की शो हो रही होंगी, मीन्स कि ये एडिटेबल नहीं है। आपको वेरिएशंस का भी कॉन्सेप्ट समझ में आया?